हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 18th वर्कशीट डिस्कस करेंगे इंग्लिश की, क्लास 9th की और 19th अगस्त की। इसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। अब आप सबको पीपल्स को डिस्क्राइब करना आ चुका है एडजेक्टिव्स के द्वारा। यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट, आपको ये भी पता चल चुका है कि यह आज की फन एक्टिविटी है। आपने द फन दे हैड पढ़ा था लास्ट मंथ में, लास्ट वर्कशीट्स में। सो आपको टॉमी और मार्जी के बारे में पता चला। अब हमें यहाँ पे दो टास्क दे रखे हैं। टास्क ए में हमारे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, कुछ कैरेक्टर स्केचेस मिक्स हैं दोनों की, टॉमी की और मार्जी की। हमें इन्हें अनजम्बल करके एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो पहले टास्क ए देखते हैं। टॉमी इज़ अ 13-year-old boy। टॉमी एक 13-year-old boy है। मारी इज क्यूरियस बाय नेचर। जो मार्जी है वो कौन है, पहले ये बताएं मार्जी की एज क्या है, 11। और मार्जी कैसी है, थोड़ी क्यूरियस है, उसे बहुत नई नई चीज़ें जानना अच्छा लगता है और थोड़ी परेशान सी रहती है। अब टॉमी स्मार्ट और फ्रेंडली है, पर जो मार्जी है वो शेयर करती है अपनी फीलिंग अपनी डायरी के संग। और जो टॉमी है वो क्यूरियस बॉय है और उसे क्या लगता है अच्छा, अपने ग्रैंडफादर्स की बुकों को पढ़ना और ढूंढना। सो शी डज नॉट नो, उसे नहीं पता था दैट, कि उसे ये जानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पास्ट के बारे में, बट पास्ट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था कि लोग पहले क्या करते थे कैसे करते थे, पर उसे वैसे इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टैली बुक्स। पर टॉमी हर चीज़ की नॉलेज लेता था, पर मार्जी मैकेनिकल टीचर्स को बोरिंग समझती थी। और शी वॉन्ट्स टू गो टू अ रियल स्कूल, और वो पहले समय के स्कूल्स में जाना चाहती थी और अपने फ्रेंड्स के संग एक दिन रहकर इमेजिन करना चाहती थी। तो इस तरह से एक सेंटेंस टॉमी का है, फिर एक मार्जी का है, फिर एक टॉमी का है, फिर एक मार्जी का है, मिक्स है। अब हमें इनके कैरेक्टर्स के सेपरेट करने हैं। टॉमी क्या, एक 13-year-old boy है, फ्रेंडली है, स्मार्ट भी है, क्यूरियस भी है और इंटरेस्ट रखता है नॉलेज के लिए। अब मार्जी 11-year-old girl है, थोड़ी क्यूरियस भी है, उसे अपनी एक्सपीरियंस डायरी में लिखना अच्छा लगता है और पास्ट की बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है। उसे मैकेनिकल टीचर और स्टडी बोरिंग लगती है और वो इमेजिन करना चाहती है एक बार पास्ट के स्कूल में अपने फ्रेंड्स के संग। अब बी क्वेश्चन, टास्क बी क्या है। यू हैव टू डिस्क्राइब अनदर कैरेक्टर। अब आपको किसी एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है, जैसा कि हमें दे रखा है काउंटी इंस्पेक्टर और मैकेनिकल टीचर में से किसी एक को। तो यह मैकेनिकल टीचर का है। द मैकेनिकल टीचर वर एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम विच हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैज टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अ मैकेनिकल टीचर कैन प्रोवाइड एम्पल नॉलेज। जो मैकेनिकल टीचर है वो एम्पल नॉलेज प्रोवाइड करता है। एम्पल मतलब थोड़ी सफिशियंट, पर्याप्त नॉलेज पर्याप्त करता है, देता है किसी भी सब्जेक्ट पर। बट ही शी कैन नॉट बूस्ट अप देयर स्टूडेंट्स टू डू समथिंग। पर वो अपने स्टूडेंट्स को बूस्ट नहीं करता कि तुम वाह वाह ऐसे ही करो, वो सिर्फ समझाता जाता है। और देयर इज़ अ सिंगल मैकेनिकल टीचर, एक ही मैकेनिकल टीचर था जिसको सभी क्लासेस और सभी स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जाता था उसका सेक्टर। और वहाँ पे एक साथ कोई क्लास भी नहीं करता था, नो प्लेग्राउंड और कोई भी फन भी नहीं था। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।